आज माशरे के अंदर ईद मीलादी के लिहाज से कुछ लोगों की तरफ से मुफ्दात पाए जा रहे हैं और उन लोगों की तरफ से जो पाए जा रहे हैं उसका यह मतलब भी नहीं कि अपनी जगह ईद मिलादुल्लबी सलम की कोई फजीलत ना हो या अपनी जगह उसका मनाना जायज ना हो या जो सही तरीका है उस पर भी कोई एतराज करना शुरू कर दे ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं लेकिन जिसने मुफ्दात का इरतकब किया उसको समझाना भी जरूरी है उसको रद्द करना भी जरूरी है और उससे अपने अमल की हिफाजत भी जरूरी है कि तेरे इन करतूतों की बुनियाद पर मुतलकन जो महफिल मिलाद या ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँच आ चाह रही है तो तू भी एक दुश्मन ईद मिलाद है कि तेरी वजह से इतना जो मुकदस अमल है उसके ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल रहा है इस बुनियाद पर ईद मीलाद नबी वसल्लम के अंदर कोई म्यूजिक का एहतमाम करता है या वहाँ पर मर्द औरत का अख्तिलात हो रहा है यानी वहाँ पर्दे का ख्याल नहीं और वो एक मेले की शक्ल है जिस तरह के यानी ये पहाड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और फिर आ, वहां पर बेपर्दगी होती है म्यूजिक बजती है तो ये चीजें जो हैं, ये शरीयत से टकरा रही हैं। इन पर अल्लाह ने सख्ती से इनसे रोका है तो जब एक बंदा नेक काम के जिमन में आगे ऐसी चीजें कर रहा है तो नेक काम तो अपनी जगह नेक काम है लेकिन यहां मुफ्सिदात पाए गए हैं जिसकी बुनियाद पर वो नेक काम जो है उसकी अदायगी में खलल वाक्य हो गया है यानी जिस तरह नमाज पढ़ते पढ़ते वजू टूट जाए या नमाज पढ़ते पढ़ते ए, कपड़े मुयसर ना रहें, तो या नमाज पढ़ते पढ़ते किबले से मुंह हट जाए तो अब उसमें नमाज में अपनी जगह नमाज की दलील में तो कोई कमजोरी नहीं है ना यह है कि नमाज पढ़ने वालों पर इसकी वजह से एतराज किया जाए कि हम नमाज नहीं मानते क्योंकि कुछ नंगे भी नमाज पढ़ना शुरू हो गए हैं तो जो ये कर रहे हैं इनके खराफात का रद्द लाजिम है और उधर दूसरों के लिए ये बतौर दलील उस अमल के खिलाफ इसको पेश नहीं किया जा सकता तो हम कई सालों से इन सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं और हमारी इसलाही तहरीक जो है वो एक तवील जमाने से है खा वो मज़ारात पर जो खराफात जो हाल की तरफ से किए जाते थे उसके मुकाबले में जो हमारा फतवा था और अब भी है और लाखों की तादाद में हमने उसे तकसीम किया कराम के उस पर दस्तखत करवाए अवकाफ से मुतालबा किया मुख्तलिफ जगह उस सिलसिले में लड़ाइयाँ भी हुई फिर इस नात की जो तहरीक थी और फिर असलाह अक़ायद के माफ़िल मीलाद को ऐसे ऐसे उमूर से महफूज रखा जाए कि जिसके नतीजे में ऐसा ना हो कि रहमत की जगह अजाब बरसना शुरू हो जाए तो इसके बावजूद चूंकि दूसरी तरफ से कुछ छुट्टी देने वाले जो लोग हैं यानी जिनके आम इज्तम में सामने बेपर्दा औरतें बैठ के उनकी तकरीर सुनती हैं या फिर वो इसको एक मेले की शक्ल दे रहे हैं या वो कहते हैं कि मेलाद को रवायती अंदाज में मनाया जाए या इसको अपने कल्चर से मुनसरिक करके मिलाद मनाया जाए यानी ये सारी इतलाए मिनाजियों की हैं और कुछ वैसे बहुत से ए, लोग आज़ाद ख्याल हैं जो कि इस सिलसिला में मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं आले सुन्नत के खाते में डाला जा रहा है तो हरगिज ऐसे कामों का आले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये महफिल मिलाद है और बड़ी शिद्दत के साथ ऐसे लोगों का मुकाबला करना जरूरी है